नमस्कार साथियों, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर कट ऑफ क्या रहेगी, अलग अलग वैकेंसी की जो कट ऑफ है वो कट ऑफ क्या रहेगी। मैं यहाँ पर आपके लिए पूरा एनालिसिस लेकर आया हूँ राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तीन राज्यों की ऑफिशियल कट ऑफ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और जैसे बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, ऑल पोस्ट असम राइफल वगैरह है, एसएसएफ है और भी जो पोस्ट है उनके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। ये ऑफिशियल अपडेट आया है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं राजस्थान की बात करूंगा, उसके बाद में अलग अलग सभी की पोस्टों की मैं बात करने वाला हूं। तो चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए और अगर आप भी अपने राज्यों की चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें कि सर हमें इस राज्य की कट ऑफ चाहिए। ये दोस्तों ऑफिशियल कट ऑफ है, बनाई हुई बिल्कुल नहीं है, ऑफिशियल कट ऑफ है। क्या क्या कट ऑफ है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों राजस्थान की मैं बात करूँ, किसकी मैं बात करूँ, राजस्थान की मैं बात करूँगा और राजस्थान के अंदर अलग अलग कैटेगरी, देखिए दोस्तों अलग अलग कैटेगरी है। एक का मतलब क्या होता है दोस्तों, बीएसएफ क्या है दोस्तों, बीएसएफ और बीएसएफ है और बीएसएफ के अंदर बी का मतलब क्या, देखिए बी का मतलब क्या, बॉर्डर, जो सीमा के ऊपर तैनात रहते हैं, बॉर्डर। और जी का मतलब क्या होता है दोस्तों, जनरल, जो कहीं पर भी उनको ड्यूटी मिल सकती है। तो दो डिपार्टमेंट्स में बांटा, तीन डिपार्टमेंट्स में बांटा गया और एन है नक्सलवादी, क्योंकि राजस्थान के अंदर नक्सलवादी नहीं है। तो बीएसएफ के अंदर यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, बीएसएफ वेरी इंपॉर्टेंट है, बीएसएफ के अंदर देखिए 69, यस। उसके बाद देखेंगे एससी की बात करें 47, उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट ओबीसी 76 और जनरल भी 76 गई है, यानी कट ऑफ जनरल की बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड में थोड़ी सी हाई गई है, बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड में इसकी जो पोस्ट है वो हाई गई है, वो मैं आपको बता देता हूँ बिल्कुल डिटेल से। उसके बाद में देखिए 71, 78, 80 और 81, ये कट ऑफ बीएसएफ एरिया के अंदर गई है, ये मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहली चीज है। उसके बाद में दोस्तों बी का मतलब क्या होता है दोस्तों, बी यहां पर देखिए जो पोस्ट कैटेगरी है, बी पोस्ट है, बी पोस्ट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आपको बी पोस्ट का मतलब ध्यान रखना, बी पोस्ट का है सीआईएसएफ जनरल 85, ओबीसी 86, 84, 78, क्योंकि यहाँ पर पोस्टें कम है, कम पोस्टें थी इस हिसाब से मेरिट ज़्यादा गई है। उसके बाद में सी पोस्ट का मतलब क्या होता है, सीआरपीएफ क्या है, सी पोस्ट का मतलब क्या है, सीआरपीएफ। तो सीआरपीएफ कैंडिडेट की कट ऑफ क्या गई है, 71, 82, 80, देखिए बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे सी पोस्ट की बात की हमने और यहाँ पर भी देखिए बिल्कुल। उसके बाद में डी पोस्ट, डी का मतलब क्या होता है दोस्तों, डी का मतलब होता है एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, क्या है सशस्त्र सीमा बल, 70, 78, 80 और 89 कट ऑफ गई है। अलग अलग कैटेगरी वाइज है आपके सामने, आप देख सकते हैं। उसके बाद में ई फॉर ई की बात करें, ई कैटेगरी किसकी है, क्या पूछा है, ई कैटेगरी किसकी है दोस्तों, ई कैटेगरी की मैं बात करूं आईटीबीपी, क्या है ई कैटेगरी किसकी है, आईटीबीपी की कट ऑफ यहां पर आप देख सकते हैं 68, क्योंकि तीन पोस्ट थी, दो पोस्ट है, तीन पोस्ट है, नौ पोस्ट है, 79, यस। उसके बाद में 80, 77। उसके बाद में एफ बात कर, एफ का मतलब क्या है, असम राइफल, एफ का मतलब क्या है, असम राइफल की एससी की जो पोस्ट है वो 9 है, यस। उसके बाद में 7 पोस्ट एसटी की, ओबीसी के 10 और उसके बाद में 24 है। तो यहाँ पर देखिए 79, 79, 77 और 68, तो ये कट ऑफ आपकी रही है राजस्थान के अंदर। ओल्ड पोस्ट की मैंने बात की है कि राजस्थान के अंदर बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, तो ये तो आपकी राजस्थान की कट ऑफ रही है। अब मैं कट ऑफ है जो नेक्स्ट मैंने आपको बताया दोस्तों, एमपी बोले तो मध्य प्रदेश की कट ऑफ
मैं आपके सामने साझा करूंगा। एमपी की कट ऑफ है वो मैं साझा करूंगा कि एमपी की कट ऑफ क्या गई थी, एमपी की कट ऑफ क्या गई थी, यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं। एमपी के अंदर दोस्तों नक्सलवादी है, नक्सलवादी एरिया है, क्या है एरिया, तो एमपी की मैं बात करूं, एमपी के अंदर यहाँ पर देखेंगे चार कैटेगरी, ए का मतलब वही बीएसएफ है, बीएसएफ, और ए का मतलब बीएसएफ है, एन का मतलब नक्सलवादी एरिया, नक्सलवादी एरिया होता है। तो यहाँ पर देखेंगे पोस्ट नक्सलवादी है 1144, ये तो पोस्ट वैकेंसीज है, यस क्या वैकेंसी, उसके बाद में 13, 18, 13, 44, तो देखिए 71, 65, 77 और 76, ये हैं आपकी एमपी की बात करें। नक्सलवादी एरिया के अंदर देखिए 54, 64, 70 और कम मेरिट गई नक्सलवादी एरिया के अंदर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों बी का मतलब मैंने आपको बताया था, बी का मतलब मैंने बताया सी आई एस एफ जनरल कैटेगरी के अंदर 4, 6, 4, 15 ये पोस्ट हैं, 76 कट ऑफ गई है, क्या गई है 76 कट ऑफ गई, यहाँ पर आप देख सकते हैं 76 है। उसके बाद देखेंगे 65 गई है, ओबीसी 68 गई है, यूआर कितनी गई 82 गई है, नक्सलवादी एरिया के अंदर 57, 56 और 78 गई है। अब सी पोस्ट दोस्तों, सी पोस्ट भी इसके अंदर जनरल और नक्सलवादी एरिया है, और सी पोस्ट का मतलब है सीआरपीएफ, एक है सीआईएसएफ, एक है सीआरपीएफ। तो हम जनरल कैटेगरी की बात करें 71, 76, 78 और 78 और बाकी 55, 70, 60 यस कट ऑफ गई है। उसके बाद में डी, दोस्तों डी का मतलब क्या है एसएसबी, डी का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है एसएसबी, एसएसबी की जनरल कैटेगरी, एसएसबी की यहाँ पर देखेंगे ये चार पोस्ट 75, 76, 62 और 69 ये आपकी ओबीसी। उसके बाद देखेंगे ई, यहाँ पर आप देखेंगे ई का मतलब है आईटीबीपी, यस आईटीबीपी में जनरल देखिए एससी 67, एसटी 62, ओबीसी 76 और यूआर जनरल बोले तो 76 गई है। उसके बाद में एफ, दोस्तों एफ का मतलब क्या है असम राइफल, मैंने आपको बताया एफ का मतलब क्या है असम राइफल। चलिए जनरल कैटेगरी ये चार कैटेगरी अपन की 68, 62, 75 और 74 ये एमपी कैटेगरी गई है एमपी की। अब दोस्तों हमने एमपी की बात कर ली है, अब आपकी जो बाकी क्या बचा है उनकी हम बात करेंगे, वो बचे यूपी उत्तर प्रदेश, बोले तो उत्तर प्रदेश की हम अभी बात करेंगे, उत्तर प्रदेश एरिया की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या कट ऑफ गई थी और क्या क्या कट ऑफ जाने की उम्मीद है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, एक एक चीज क्लियर करके बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, थोड़ा लंबा बनेगा लेकिन आपका वीडियो अच्छे से क्लियर हो जाएगा दोस्तों, इससे ज़्यादा नंबर आपके फाइनली सिलेक्टेड में काम आने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बीएसएफ एरिया की बात करते हैं, बीएसएफ एरिया यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर 298 वैकेंसी थी, 14 वैकेंसी 167, 384 वैकेंसी, उसके बाद देखेंगे 230 वैकेंसी, सबसे ज़्यादा वैकेंसी यूपी की है, सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी कहाँ की है यूपी एरिया की है। और यूपी एरिया का जो उत्तर प्रदेश का जो कट ऑफ एरिया रीजन है यहाँ पर देखिए 75, 74, 47 देखिए कितना लो है 82, 83 यस। ये देखिए जनरल कैटेगरी की मैं बात, नक्सलवादी एरिया की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर पोस्टें अधिक पोस्टें हैं, मेरिट भी थोड़ी हाई मेरिट गई है। उसके बाद में बी का मतलब, दोस्तों बी मैंने आपको बताया है बी के बारे में, बी या जनरल कैटेगरी ओनली फॉर लेंगे, जो जनरल एरिया होते हैं इसके अंदर ऑल स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं। सी आई एस एफ, सी आई एस एफ की मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए 152, 8, 81, 196 और उसके बाद देखेंगे 371। तो ये भी नक्सलवादी एरिया है, नक्सलवादी एरियों की अलग अलग है, तो यहाँ पर देखेंगे 79, 76 यहाँ देखिए 39 कट ऑफ गई है, 86 और 87 कट ऑफ गई है। तो दोस्तों हाई कट ऑफ भी यूपी की है, कट ऑफ आई गई है। अब सी का मतलब दोस्तों, सी ग्राउंड फॉर सी, सी का मतलब है
सीआरपीएफ जनरल कैटेगरी की मैं बात करूंगा, यहाँ पर देखेंगे 76, 78, 82 और 84 यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कट ऑफ है, ये कट ऑफ आपके सामने रही है। अब डी की मैं बात करूं, डी का मतलब होता है एसएसबी, तो चलिए हम एसएसबी की बात करें। एसएसबी के अंदर जनरल कैटेगरी ये 1, 2, 3, 4 एससी एसटी ईएस ओबीसी जनरल, देखिए 77 यहाँ एक भी फॉर्म भरा नहीं गया था ई एसएम के अंदर, यूपी के अंदर, तो पोस्टें खाली रही थी। उसके बाद में 82 और 84 रही थी। उसके बाद में आपकी जो बात करें ई कैटेगरी की, ई का मतलब मैंने आपको बताया आईटीबीपी, आईटीबीपी के अंदर 76 और 75, 82 और 83 गई थी। और जो आपका लास्ट में ये एफ है, ये एफ का मैंने आपको बता दिया। तो ये कट ऑफ ऑफिशियल कट ऑफ है दोस्तों, मन से बिल्कुल नहीं बनाई गई है, पूरी कट ऑफ वैकेंसीज है, क्या क्या है पूरी डिक्लेयर है। यहाँ पर देखिए कैटेगरी है, वैकेंसी है, फील्ड स्टूडेंट कितने पास किए गए हैं, ये मार्क्स कितने आए हैं, तो ये पूरी डिटेल मैंने तीन राज्यों की आपको बता दी है, तीनों राज्यों के बारे में। और अगर आपको अपने राज्य की कट ऑफ चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने सुझाव देते रहिए। धन्यवाद।